खबर है पीलीभीत से, जहां स्कूल बैन अनियंत्रित जिनको जिला अस्पताल में फिलहाल अभी भर्ती कराया गया। गोमती गुरुद्वारा के पास वीके पब्लिक स्कूल के ये बच्चे बताए जा रहे हैं। वहीं कोतवाली पूरनपुर क्षेत्र के गुंगचिहाई चौकी के पास केसरपुर गांव की ये घटना है। पीलीभीत से प्रांजल गुप्ता की रिपोर्ट होकर पेड़ से टकरा गई। वैन में 3 बच्चे थे सवार, वहीं तीनों में 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। रामदेव, क्या हुआ आपके बच्चों के साथ, कहाँ जा रहे थे और क्या घटना घटी है? आप 7:30 बजे हम लोग गाड़ी पे ढीला बच्चों को वो जा रहे थे स्कूल के लिए, दूर भट्टे के पास के एक सुपर के मोड़ पे हुआ। गाड़ी के बता रहे कि ब्रेक नियंत्रित हो गया, पेड़ से टकरा गई। अब लोग बता रहे, वहाँ खड़े थे, कह रहे थे कि गाड़ी बहुत तेजी में आ रही थी और इनसे कंट्रोल नहीं हुई। तो कितने बच्चे थे गाड़ी में? 3 बच्चे थे सर। और कितनों की हालत गंभीर है? कितने की हालत ज़्यादा गंभीर है और एक तो थोड़ी बहुत छोड़ रहे हैं, पूरनपुर है। अब इस समय कहाँ है बच्चे? इस समय यहाँ जिला अस्पताल पीलीभीत में भर्ती कराया गया, भर्ती कराया गया है और उनकी एक भी हालत ज़्यादा नाजुक है, उसे बरेली ले जाने के लिए। बच्चों को लेने इसके लिए जो चालक अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराया, और अभी वहाँ के SDM तुरंत रश करके लिया है और दोनों का ट्रीटमेंट चल रहा है। दोनों बच्चियाँ जिला चिकित्सालय में ट्रीटमेंट चल रहा है और उनको जो भी इलाज है वो यहाँ से दिया जा रहा है, अभी उनका उपचार किया जा रहा है और सिटी स्कैन, एक बच्ची का सिटी स्कैन हो रहा है। सिटी स्कैन के बाद दूसरी बच्ची जो है स्वस्थ है और जिसको ब्लीडिंग हुई है उसका सिटी स्कैन हो रहा है। सिटी स्कैन के बाद हम लोग कौन से स्कूल के बच्चे हैं, कितने घायल हैं? पब्लिक स्कूल वीके पब्लिक स्कूल में 2 बच्चियाँ घायल हुई हैं, ड्राइवर भी इंजर्ड है, ड्राइवर आ रहा है और दोनों बच्चियों को जिला चिकित्सालय में एडमिट कर। क्या वजह लग रही है दुर्घटना होने की? चालक की गलती लग रही है, चालक अनियंत्रित होकर पेड़ से जाकर टकराया। सर, बताया जा रहा है कि जिस वाहन से ये बच्चे सवार थे वो वाहन भी जो है काफ़ी कंडम हालत में है। हाँ, तो इसकी भी जांच कराई जाएगी किस विद्यालय का है और इस विद्यालय पर कौन कौन से वाहन चलते हैं और स्कूल प्रबंधन के विरुद्ध 100% कार्रवाई होगी, FIR कराई जाएगी।